अब बात करते हैं एक दर्दनाक सड़क हादसे की। उत्तर प्रदेश में ये सड़क हादसा हुआ है सीतापुर में। नैमिषारण्य दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों की कार सड़क पर खड़े कंटेनर से टकराई है और इस हादसे में एक परिवार के 8 लोगों की मौत हुई है। सभी मृतक अलवर जिले के रहने वाले। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, दर्दनाक खबर, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। ये दर्दनाक सड़क हादसा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ है। इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से एक और बड़ा हादसा हुआ था। राजस्थान की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी उत्तर प्रदेश में, तब भी राजस्थान के कई लोग मारे गए थे और अब एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई है सड़क हादसे में। अलवर के सभी बताए जा रहे हैं और रविवार से देखिए तो हादसे ही हादसे नजर आते हैं राजस्थान के लिए। दुखद खबरें ही आ रही हैं हर दिन। अजमेर में हादसा हुआ था जिसमें 8 लोग मारे गए थे, फिर बीकानेर में हादसा हुआ था जिसमें 5 लोग मारे गए थे और अब अलवर के 8 लोग सड़क हादसे में मारे गए हैं। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में यह हादसा हुआ है। नैमिषारण्य दर्शन के लिए यह परिवार जा रहा था तभी सड़क पर खड़े कंटेनर से इनकी गाड़ी टकरा गई जिससे परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतेशाम जुड़ गए हैं। एहतेशाम, ये 8 लोग जो एक ही परिवार के अलवर के बताए जा रहे हैं, अब इनके शवों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, कहां पर रखा गया है? देखिए, अभी स्थानीय हॉस्पिटल में इन लोगों को भेजा गया। राजस्थान के अलवर जिले के एक ही परिवार के सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं और इनका साफ कहना है कि देर रात ये राजस्थान से एक निजी गाड़ी बुक कर ये सीतापुर जा रहे थे और बताया था ये इन्होंने जो रूट अख्तियार किया था वो जयपुर होते हुए आगरा और आगरा एक्सप्रेस वे से ये लखनऊ होते हुए सीतापुर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का साफ कहना है कि जो कंटेनर खड़ा था हाईवे एक्सप्रेस वे पे उसमें इनकी सीधी टक्कर हुई है और जहां तक ये बताया जा रहा था जो ड्राइवर था उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और ड्राइवर को अचानक आंख लग गई जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। मौके पर तकरीबन भोर का हादसा है, 8 लोग भी एक ही परिवार की में दर्दनाक मौत हो गई जबकि 3 लोगों को आसपास के जो स्थानीय हॉस्पिटल है वहां भेजा गया है। आला अधिकारी मौके पहुंच गए, मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सरकार ने भी इस घटना पर अपना शोक किया है तो काफी दुखद घटना उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन एहतेशाम, सबसे बड़ा सवाल ये कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जिसको लेकर तमाम तरह के कसीदे पढ़े गए थे, यहाँ पर अब तक कई हादसे हो गए और इस एक्सप्रेस वे को हादसे का एक्सप्रेस वे अब क्यों ना कहते, क्या इंतजाम वहां पर है? देखिए, ये बात एकदम सही है कि आगरा एक्सप्रेसवे पे लगातार हादसे पे हादसा होता चला जा रहा है। सरकार की तरफ से बकायदा 2-3 गाड़ियां लगाई गई जो लोग स्पीड में चलते हैं उनको रोका जाए, लेकिन लोग मानने को है तैयार ही नहीं है और अभी बहुत ही सुनसान इलाका है, नहीं इस पे कोई मदद मिल पाती, नहीं कोई हेल्प मिल पाती है क्योंकि बकायदा 300 से ज्यादा किलोमीटर का हादसा एक्सप्रेस वे है और जब लोग इस पे अपनी गाड़ी चलाते हैं तो उनकी स्पीड 100 के ऊपर होती है। सख्त मनाही है कि तेज स्पीड में गाड़ी ना चलाए और ज्यादातर हादसा भोर में और रात में हो रहा है जब इस पे लोग तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और आंख लगने के कारण कहीं ना कहीं टक्कर हो रही थी। इससे पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं लेकिन आज जो हादसा हुआ है वो राजस्थान के अलवर के ही परिवार बिल्कुल है। शाम जो आपने बताया कि इससे पहले भी बड़े हादसे हुए, अगर कुछ वक्त पहले देखा जाए तो मैनपुरी में भी हादसा हुआ था जो राजस्थान के लिए दुखद खबर लेकर आया था, 17 लोगों की मौत उसमें हुई थी। लेकिन एहतेशाम, अगर इस हादसे को लेकर देखें, अलवर का ये पूरा परिवार, क्या परिजन इन शवों को रिसीव करने के लिए लेने के लिए पहुंचे हैं और अगर राजस्थान प्रशासन की बात की जाए तो क्या वहां से संपर्क साधा गया है अब तक? देखिए, इस पूरे उसमें जितने भी लोग थे उसमें से ज्यादातर लोग गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार के पास बस इतनी ही जानकारी निकल पाई है कि एक ही परिवार के लोग हैं वो भी अलवर से। यूपी सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार के आला अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, वहां से एड्रेस निकाला जा रहा है ताकि उनके परिवारजनों को बताया जा सके। स्थानीय हॉस्पिटल में सभी शवों को भेज दिया गया है, बकायदा उनका पंचनामा भी किया जाएगा। साथ ही जो गंभीर रूप से घायल है उनको सहसा ही मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का साफ कहना, प्रशासनिक अमले का साफ कहना है जो मृतक है उनकी संख्या में इजाफा हो सकता है क्योंकि आगरा एक्सप्रेस वे पे जब भी हादसा होता है उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलने और उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में काफी देर हो जाती है और ये हादसा इतना दर्दनाक था कि इसमें मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कन्नौज के और इटावा के वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अलवर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे संपर्क साधा जा सके और किसी तरह से वहां से उनके परिवार के लोग यहाँ आए वो आइडेंटिफाई कर लें और जो औपचारिक कानूनी कार्रवाई होती है उसके बाद इन शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाए। अब सबसे बड़ी दुखद बात है कि एक ही परिवार के सारे सदस्य में सवार थे, ऐसे में देखने वाली बात है। प्रशासनिक अधिकारियों को साफ कहना है कि उस परिवार में लोग बचे हैं या नहीं बचे हैं, हमें
उनके रिश्तेदारों को भी सूचित करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर है, जो घटना स्थल की है जो दर्शकों को विचलित कर सकती है, दिखा नहीं सकते हैं, हॉस्पिटल का नजारा है जहाँ पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तो हर एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से सवाल ये कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जहां पर तमाम तरह की बड़ी बातें कही जा रही थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि ये रफ्तार का एक्सप्रेस वे है, लेकिन किस तरह से यहां पर रफ्तार ही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, लेकिन इंतजाम कहीं नजर नहीं आता।